This is Aparna Sharma, your own Aparna Sharma, at your own channel, Physics at Your Tips. तो हम continue करने जा रहे हैं अपनी पिछली वीडियो के साथ दोबारा से, और अब हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट. जैसे मैंने आपको कल समझाया, पिछली वीडियो में समझाया था, एक्सियल पॉइंट क्या होता है, आप यहां से इस लाइन को आगे बढ़ा दो तो वो एक्सिस लाइन हो जाती है, इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, किधर भी ले जाओ बेटा, दैट लाइन विल बिकम योर एक्सिस लाइन. ठीक है, अब यहां पर इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, एक वो लाइन जो डायपोल के तो सेंटर से पास हो रही है ना, और डायपोल की एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर, वो लाइन कहलाती है इक्वेटोरियल लाइन. समझ में आ गया आप सबको. चलो, तो इस इक्वेटोरियल लाइन पर मेरे पास पॉइंट P है, ठीक, विच इज एट अ डिस्टेंस x. ये डिस्टेंस x एग्जैक्टली वही है जो मैंने यहां से यहां तक x लिया था, याद आ गया. चलो, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B. ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे डायपोल की पूरी लेंथ है 2a. समझ में आया. अच्छा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. बताने की जरूरत नहीं है पाइथागोरस थ्योरम से. सिमिलरली ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. और यदि इसी चीज को ध्यान से देखूं तो ये, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स भी बेटा बिल्कुल इक्वल ही होंगे. आगे आपको बात समझ में. अब आपने क्या किया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, आपने यहां पर क्या रख दिया बेटा, एक टेस्ट चार्ज रख दिया. बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा. जब आपने यहां एक टेस्ट चार्ज रखा बच्चों, तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा. रिपेल करेगा तो फोर्स इधर लगाएगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1. E1 का मैग्नीट्यूड देखिए, 1/4πε0Q√x2+a2 का होल स्क्वायर. मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0Q√x2. मेरा डिस्टेंस स्टैंड कितना है, x2+a2 का होल स्क्वायर. अच्छा, ये लाइन हो गई अलॉन्ग AP. आ गया बेटा समझ में. चलो, अब ये वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा. अट्रैक्ट करेगा इसलिए देखो, E2 की डायरेक्शन मैंने नीचे लगाई है, देखिए आपको, वेरी गुड. अब इस E2 का मैग्नीट्यूड लिखो तो 1/4πε0Q√x2+a2 का हो अंडर रूट का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हो गई अलोंग PB. अच्छा, इसके बाद हम ये सोचे तो दोनों को ध्यान से देखो तो मैग्नीट्यूड वाइज बिल्कुल दोनों सेम आ गए, लेकिन एक ये है और एक ये है. कटे क्यों नहीं, कटे इसलिए नहीं क्योंकि ये एक लाइन के अलॉन्ग नहीं है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो मैं कैसे काट दूं. अब इनका नेट निकालने के लिए मुझे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व मैं कैसे करूंगी, प्रॉब्लम को सॉल्व मैं इस तरह से करूंगी कि मैंने इन दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व कर दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर दिया. देखो बेटा, ये एंगल फाइ है, इसी वजह से इस लाइन के अलॉन्ग ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, फाइ. इसके फाइ होने से मैं जब इसे रिजॉल्व करूंगी तो इधर आ जाएगा E1 cos phi, इधर आ जाएगा E1 sin phi. उसी तरह से क्योंकि ये एंगल फाइ है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, फाइ. तो इसे रिजॉल्व करूंगी तो इधर आ जाएगा E2 cos phi और इधर आ जाएगा E2 sin phi. अब आप सबको पता है E1 और E2 मैग्नीट्यूड में बिल्कुल सेम है, एंगल्स भी phi बराबर है, इसलिए E1 sin phi और E2 sin phi बराबर होंगे. बराबर है और देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक ऊपर है और एक नीचे है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. ऐसा समझ लो कि यदि एक फोर्स 5 न्यूटन का ऊपर लगा और एक फोर्स 5 न्यूटन का नीचे लगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, राइट. लेकिन ये प्रॉब्लम कॉस कंपोनेंट के साथ क्यों नहीं आई, कॉस कंपोनेंट के साथ इसलिए नहीं आई क्योंकि आपके E1 और E2 cos phi दोनों एक ही लाइन पर आ गए, दिखा आपको दोनों कहां आ गए, एक ही लाइन पे, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन कंपोनेंट नहीं आएगा, यू विल ओनली हैव कॉस कंपोनेंट, इट विल बी E1 cos phi प्लस E2 cos phi. कैन यू ऑल सी इट, इस और मैग्नीट्यूड वाइज E1 और E2 बराबर है, तो मैंने लिख लिया 2E1 cos phi 2 1/4πε0. E1 की वैल्यू मैंने यहां से उतारे, किसी से भी ले लो, दोनों में से दोनों तो सेम ही है. अच्छा, cos phi की वैल्यू निकालो, तो इस ट्रायंगल को देख लो, PA
O को यहां से इस वाले को X, इस वाले S पॉइंट से देख लो. Cos pi will be base upon hypotenuse, so it will be A upon under root X square plus A square. सबको मल्टीप्लाई करो तो Q 2QA, ये बिल्कुल जल्दी से बना लो, Q into 2A, तो ये बन गया तुम्हारा P. ठीक है, यहां आ गया 1 upon 4 pi epsilon naught, ये तो मैंने as it is उतारा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट द पावर रूट 3 बाय 2. समझ में आ रहा है बेटा? जब ये आएगा तो आप जनरल फॉर्मुलेज में तो इसे ही यूज करोगे, दैट E इज इक्वल टू, अच्छा इसी की डायरेक्शन भी देख ले, इट विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 बाय 2. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? यदि आपका यहां पर इफ एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए तो क्या हो जाएगा, ए नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन एक्स क्यूब, यहां पर एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2. बेटा मैं ए को जीरो कर दूंगी तो 2 से 2 कैंसिल, तो यू विल हैव 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन एक्स क्यूब. यदि आप इसे डायरेक्शन वाइज मैग्नीट्यूड वाइज हर तरह से ई एक्सियल से कंपेयर करो तो ई एक्सियल वॉज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपॉन एक्स क्यूब. तो मैं यहां पर आपस में रिलेट कर सकती हूं दैट ई एक्सियल इज ट्वाइस ई इक्वटोरियल, ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ई इक्वटोरियल. समझ में आया? ट्वाइस ऑफ ई इक्वटोरियल, पक्का? ओके ठीक. अच्छा अब हम बात करते हैं जरा डायरेक्शन की, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आया है जिसे आपको समझना पड़ेगा. इसकी डायरेक्शन इधर है, नेट दिखाई दे रहा है कि इधर आ रहा है, और उसकी डायरेक्शन थी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो एंगल बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वटोरियल विल बी 180 डिग्री. ई एक्सियल इज टुवर्ड्स दिस साइड, ई इक्वटोरियल इज माय साइड, तो दोनों के ऊपर डायरेक्शन विल बी 180 डिग्री. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया बेटा आपको? सो दिस इज योर ओल्ड चैनल. इफ यू लाइक दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन प्लीज डू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. द प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व ओवरनाइट, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. टिल द टाइम सी यू नेक्स्ट एंड